हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करते हैं मारपोल के ऊपर। मारपोल हम लोग सभी लोग अच्छे खासे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। वही क्वेश्चन सर्वेयर लोग बहुत बार पूछता है, ठीक है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाई नेम्ड मारपोल 73 एंड 78? ये दोनों साल क्यों है, या फिर ये 78 क्यों ऐड किया गया है? ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मारपोल जो एक्चुअल कन्वेंशन है, अडॉप्टेड इन 1973, अडॉप्ट किया गया है लेकिन एंट्री इनटू फोर्स इसका नहीं हुआ। ओके, देन 76 से लेके 1977 तक कुछ टैंकर एक्सीडेंट हुआ था। वो टैंकर एक्सीडेंट को एनालिसिस करते हुए कुछ प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया है जो 1978 में है। अभी ये दोनों प्लस हो गया, एक प्रोटोकॉल है एक कन्वेंशन है, ये दोनों ऐड हो गया लेकिन तभी तक ये दोनों एंटर इनटू फोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, बिकम पेरेंट कन्वेंशन एंड एज बोथ ऑफ देम नॉट केम इनटू फोर्स, क्योंकि दोनों नहीं आ गया है तो 78 ओवरटेक कर लिया होगा 73 को, क्योंकि ये बाद में प्रोटोकॉल ऐड किया गया है। ठीक है, देन ये दोनों को कंबाइंड किया गया है एंड कंबाइंड केम इनटू फोर्स 2 अक्टूबर 1983 को, समझ में आ गया होगा, एंड नेम्ड एज मारपोल 73 78। तो फाइनल क्या है, 73 में कन्वेंशन आया, 78 में प्रोटोकॉल आया, दोनों को प्लस किया गया कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल को, दोनों को किसी और दूसरा डेट पे 83 पे एंटर इनटू फोर्स किया गया है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने रखा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, साचेज कन्वेंशन, इसको याद करने का मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ तो, और कुछ ट्रिक्स बोल देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर एग्रीड व्हेन अ नंबर ऑफ कंट्रीज व्हिच आर मेंबर ऑफ IMO, ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर कन्वेंशन एंड दे मीट टूगेदर एंड डिस्कस वेरियस प्रपोजल्स, फाइनली कम इन टू एन एग्रीमेंट व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ फाइनल एक्ट ऑफ कन्फरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, IMO का जो मेंबर्स है मतलब कि कंट्रीज है, वो प्लस IMO बैठता है और कुछ सोचता है कि हाँ इसके बारे में कुछ कन्वेंशन चाहिए, जैसे वॉयल के लिए हो गया मारपोल, या फिर बैलास्ट के लिए हो गया आपका बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट, वो बैलास्ट के लिए आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही ये लोग बैठता है और एक ट्रीटी, फाइनल एक्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस मतलब जो फाइनल जो एनालिसिस है उसको, या फिर ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन IMO एंड सेवरल स्टेट, इसको कहते हैं कन्वेंशन। आप कन्वेंशन के जगह ये दो लाइन भी याद कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन फॉर कन्वेंशन। ओके, देन कम टू प्रोटोकॉल, ये भी रिलेटेड है कन्वेंशन से। इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाई IMO टू इंट्रोड्यूस चेंजेस टू कन्वेंशन which are already adopted but not yet entered into force, जैसा 78 प्रोटोकॉल हो गया मारपोल का। ठीक है, मतलब कि कुछ चेंज ला गया है कन्वेंशन पे ऊपर प्रोटोकॉल से, लेकिन वो अभी तक एंटर इनटू फोर्स नहीं हुआ। प्रोटोकॉल बस एक मतलब वो लीगली एक्सेप्ट अभी तक, या फिर जो एंटर इनटू फोर्स मतलब उसका जो इफेक्ट अभी तक नहीं आया है कन्वेंशन को, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, Amendments are major changes that are brought into action using protocols. मतलब प्रोटोकॉल आप adopt की है लेकिन उसको effect लाने के लिए as a amendment उसको effect लाना होगा। अभी ये several protocols हो सकता है, protocol suppose 1, protocol 2, दोनों एक साथ मिला के भी आप amendments ला सकते हैं एक बार में। ठीक है, next come to resolution. रेजोल्यूशन में क्या बोलता है, फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर अडॉप्टेड बाय IMO और मेन बॉडी अंडर IMO। एक इतना कुछ नहीं है, इजी है बहुत, फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स हो गया किसी चीज़ का भी, एनालिसिस का भी फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स है जो IMO को अडॉप्टेड किया गया है और मेन बॉडी अंडर IMO से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस विच आर नॉट लीगली एक्सेप्टेड, कोई भी मेंबर स्टेट किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी रेजोल्यूशन दे, रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस IMO या फिर जो बहुत सारा सेवरल स्टेट है उससे एक्सेप्टेड ना हो, उसको कहता है रिकमेंडेशन। ठीक है, ये भी आप, ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, GMP एंड GRP, ये दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये दोनों आपको सर्वेयर कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकता है। GMP का देखिए पहले, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान 100 MGRT अबव एंड शिप सर्टिफाइड टू कैरी 15 और मोर पैसेंजर्स, वो GMP कैरी करेगा।
ठीक है, ये जीएमपी का रिक्वायरमेंट हो गया। इसका कंटेंट्स में क्या आता है, सिप डिटेल्स, बाकी इधर सब देखिए, गार्बेज गार्बेज गार्बेज, सब कुछ गार्बेज पे है, बस मिनिमाइजेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सब इसका बहुत सा इजी है, आप देख सकते हैं। गार्बेज डिस्पोजल है, इक्विपमेंट हैंडल, क्रू फेमिलियराइजेशन, जो पर्सन इंचार्ज, ये सब इसका कंटेंट है, बहुत ईजी है। ध्यान दीजिए इसका अपेंडिक्स पे, अपेंडिक्स पे ए हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, एट सी गार्बेज डिस्पोजल, इंसिनरेशन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। अभी देखिए इसका अपेंडिक्स जो ई है, ठीक है, ये ई अपेंडिक्स इसका जीआरबी है, जो एक्चुअली गार्बेज रिकॉर्ड बुक हो गया, जो हम लोग जो हम एज अ कैडेट और हम लोग बेसिकली जो हैंडल करते हैं जहाज पे मैक्सिमम टाइम, वो है अपेंडिक्स ई ऑफ जीएमपी, ठीक है। उसका कंटेंट में क्या आता है, इंट्रोडक्शन, गार्बेज एंड गार्बेज मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्बेज, मतलब उसका कैटेगरी हो गया, जैसे ए बी सी कौन सा कैटेगरी क्या किस में पड़ेगा, वो सब। एंट्रीज, एंट्रीज जो आप देखे ही होंगे चीफ ऑफिसर को करते हुए, गार्बेज डिस्चार्ज इनटू द सी, गार्बेज डिस्चार्ज टू द रिसेप्शन फैसिलिटी, गार्बेज इंसिनरेटेड जो हम लोग इंजन रूम के साथ मिलकर करते हैं, एक्सीडेंटल और एक्सेप्शनल, मतलब कुछ भी आपका गार्बेज जो है वो आपको डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा, मतलब आप ऑब्लाइज्ड है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको एक्सीडेंटल या एक्सेप्शनल कहते हैं, ठीक है। रिसिप्ट, रिसिप्ट कुछ नहीं है, बस रिसेप्शन फैसिलिटी से आपको लेना है और उसको स्टिकर पे या फिर आपको जीआरबी पे डालना है, ओके। अमाउंट ऑफ गार्बेज आपको डालना ही है, मीटर क्यूब, एज अ मीटर क्यूब पे हम लोग डालते हैं अमाउंट ऑफ गार्बेज, ठीक है। ये सब बहुत ईजी है, बस आपको जीएमपी और जीआरबी का डिफरेंस थोड़ा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, जीआरबी पार्ट टू, पार्ट टू से लाने से पहले मैं जीआरबी पार्ट वन पे चलता हूँ। पार्ट वन बेसिक है, ए बी सी डी जो कैटेगरी है इसका, ये सब आपको मालूम ही है। प्लास्टिक है, फूड है, डोमेस्टिक है, कुकिंग ऑयल, ई फॉर इंसिनरेशन, एफ है ऑपरेशनल, जी पे आता है एनिमल कैराकास, एच पे फिशिंग गियर, आई से आता है ये ई है इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए पार्ट टू इसका क्या क्वेश्चन पूछता है सर्वेयर, मैं बोलता हूँ। आपको पूछेगा कि गार्बेज रिकॉर्ड बुक का लास्ट अमेंडमेंट क्या है बताओ, ठीक है, या फिर पार्ट टू में क्या अमेंडमेंट लाया गया है वो बताओ, ठीक है। पार्ट टू में अगर आपको बोलेगा बस आपको इतना ही आंसर देना है, पार्ट वन में नहीं जाना है, दिस इज एन अमेंडमेंट एंट्री इनटू फोर्स 1st March 2018, ठीक है, उसके बाद आप बोल दीजिए कैटेगरी जे आया है एंड कैटेगरी के आया है। कार्गो रेसिड्यू नॉन एचएमई, एचएमई का मतलब है हार्मफुल टू मरीन एनवायरमेंट, ठीक है, ये जे है नॉन एचएमई एंड एचएमई है कैटेगरी के, बस इतना ही, बहुत इजी है, लेकिन इसके ऊपर आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, बहुत सारा सॉर्टेड किया हुआ टैंक्स के ऊपर है, ठीक है। क्लीन बैलास्ट टैंक, क्लीन बैलास्ट टैंक मीन्स द बैलास्ट इन अ टैंक, सिंस ऑयल वॉज लास्ट कैरिड there, it has to be so clean that the effluent there from if discharged from a ship which is stationary into clean, calm and water and clear day would not produce any visible traces of oil on the surface of the water or on adjoining shorelines or cause a sludge or emulsion to be deposited beneath the surface of the water upon adjoining shorelines, ठीक है। अभी इसको ध्यान दीजिए, मैं जिस जिस चीज़ पे गोल किया हूँ, आप इसको एकदम मागअप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कुछ कुछ चीज़ पे ध्यान दीजिए, स्टेशनरी रहना होगा सिप को, क्लीन काम सी, ये ट्रिपल सी याद रखिए, क्लीन एंड काम वाटर एंड क्लियर डे, और एक चीज़ विजिबल ट्रेसेस कुछ नहीं वो देखे दिखाएगा, और ऑन द किस पे नहीं दिखाएगा, सरफेस ऑफ द वाटर और ऑन द एडजॉइनिंग शोर लाइन्स पे, ठीक है। अगर और स्लाज इमल्शन टू बी डिपोजिटेड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर अपन एडजॉइनिंग शोर लाइन्स, जो चीज़ मैंने गोल किया हूँ आप उसको भी एज अ मेन पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद ना होगा इतना सारा, ठीक है। देन कम टू आईओपीपी, आईओपीपी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है सर्वेयर से, ये कौन अप्रूव करता है, बाय फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन, वैलिडिटी कितना है 5 years, किस पे एप्लीकेबल है, वन ऑयल टैंकर ऑफ 150 जीआरटी एंड अबव एंड अदर वेसल्स ऑफ 400 जीआरटी एंड अबव, ठीक है। एसबीटी सेग्रीगेटेड बैलास्ट टैंक, एवरी न्यू क्रूड ऑयल टैंकर ऑफ 20,000 डेड वेट एंड अबव, एवरी न्यू प्रोडक्ट कैरियर ऑफ 30,000 डेड वेट एंड अबव, ठीक है।
क्रूड ऑयल वॉशिंग एवरी न्यू क्रूड ऑयल करियर, ये बस ओनली क्रूड ऑयल पे ही रहेगा, वो भी 20,000 डेड वेट एंड अबव। एसपीटी दोनों पे रहेगा, क्रूड ऑयल ओनली क्रूड ऑयल पे रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मैंने डाला स्लॉप टैंक रिक्वायरमेंट्स। पहले देखते हैं स्लॉप टैंक क्या है। इट मीन्स अ टैंक स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द कलेक्शन ऑफ टैंक ड्रेनिंग, टैंक वॉशिंग एंड अदर ऑयली मिक्सचर्स। ये जो तीन लाइन वर्डिंग्स है, इसके लिए स्लॉप टैंक्स यूज किया जाता है। अभी कैपेसिटी कितना है? टोटल कैपेसिटी ऑफ द स्लॉप टैंक ऑन टैंक शैल बी नॉट लेस देन 3% ऑफ द ऑयल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द शिप एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट। मतलब आपका जहाज जितना ऑयल कैरी कर सकता है उसका 3% आपको रखना होगा स्लॉप टैंक का रिक्वायरमेंट। इसको घटाया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सर्वे एक्सेप्ट किया तो। ठीक है, ये इसका रिक्वायरमेंट हो गया। अभी ये सर्वेयर पूछता है इसका कुछ एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताओ। ये मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। 2%, 3 से 2% हो गया। फॉर सच टैंकर्स वायर टैंक वॉशिंग अरेंजमेंट्स आर सच दैट वंस द स्लॉप टैंक और टैंक्स आर चार्ज्ड विथ वॉशिंग वाटर, दिस वाटर इज सफिशियंट फॉर टैंक वॉशिंग वायर एप्लीकेबल फॉर प्रोवाइडिंग ड्राइविंग फ्लूड फॉर इडक्टर्स विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल वाटर इन टू द सिस्टम। ठीक है, इसको याद करने के लिए ये सब ऑलमोस्ट सेम तरीके का ही है, लेकिन बस डिजिट चेंज हो गया। ये लाइन देखिए, वंस द स्लॉप टैंक्स और टैंक्स आर चार्ज्ड विद वॉशिंग वाटर दिस वाटर इज सफिशियंट फॉर टैंक वॉशिंग। इतना भी आप बोल सकते हैं, आपको इधर नहीं जाना है, या फिर आप अच्छे से याद कर सकते हैं तो बाकी चीज़ भी बोल सकते हैं। बाकी वरना ये दो लाइन है, ये जो लाइन है ये सब में कॉमन ही आ जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, 2% फॉर एसबीटी और सेग्रीगेटेड ब्लास्ट टैंक और क्लीन ब्लास्ट टैंक सर प्रोवाइडेड, ये एक पॉइंट हो गया। अभी रिड्यूस टू 1.5%। ठीक है, सेम फॉर सच ऑयल टैंकर्स वेयर द टैंक वॉशिंग अरेंजमेंट्स आर सच दैट वंस द स्लॉप टैंक्स। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं एकदम सेम ही है ये लाइन। ओनली चेंजेस 2.2% से ये हो गया 1.5%। बाकी टैंक वॉशिंग अरेंजमेंट्स ये सब सेम ही है। वॉशिंग दिस वाटर इज सफिशियंट फॉर वॉशिंग, ये सब सेम लाइन है। अब बस डिजिट याद रख दीजिए और पहला जो पॉइंट है उसका ये लाइन याद रख दीजिए, बाकी अब डिजिट के बारे में बोलते रहिए। बस ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट पे, क्योंकि इसमें एसबीटी और सीबीटी का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 4% पे भी आ सकता है फॉर कॉम्बिनेशन कैरियर्स और कैन बी फर्दर रिड्यूस टू 0.8%। 4 to 0.8% पे कॉम्बिनेशन कैरियर पे किया जा सकता है अगर स्मूथ वॉल्स विद द कैपेसिटी और मे बी फर्दर। अगर स्मूथ वॉल्स किया तो 4%, अगर नहीं किया गया तो रिड्यूस टू 0.8% किया जा सकता है। वायर द टैंक वॉशिंग सिस्टम्स आर सच दैट्स, वही सेम स्टोरी है, सेम वाटर सफिशियंट फॉर वॉशिंग अरेंजमेंट्स फॉर इडक्टर्स, सेम लाइन। ठीक है, जो आपको मैंने बोला कि सेम लाइन होगा, बस डिजिट पे फर्क आ जाएगा। ओके, ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट आंसर पे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया दैट इज आवर PSSA, उसका कुछ एग्जांपल बताओ। से एक्चुअली जो स्पेशल एरिया है उसका हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जांपल, PSSA का एग्जांपल हम लोग नहीं देखते हैं। उसका कुछ एग्जांपल वो लोग पूछता रहता है जो बहुत ईजी है, मैं आपको बोलता हूँ। द ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, मालपेलो आइलैंड इन कोलंबिया, वार्डेन सी एरिया डेनमार्क पे आ गया, पराकास नेशनल रिजर्व पेरू, कैनरी आइलैंड स्पेन, बाल्टिक सी एरिया, ये तो आपको स्पेशल एरिया में मिल जाएगा, देन स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो दैट इज फ्रांस एंड इटली। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला चीज़ आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा, कैनरी आइलैंड का भी बहुत इजी है, बाल्टिक सी एरिया भी इजी। आप इसमें से 5 या 6 याद रख दीजिए, दैट इज एनफ फॉर द सर्वेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मारपोल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच एनेक्सर, या फिर डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको, आप इसको सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। वो पूछता है कि कुछ पेपर वर्क या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर सर्टिफिकेट्स है एनेक्सर वन के ऊपर वो बोलो। ठीक है, एनेक्सर वन के ऊपर जो सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, IOPP है, ऑयल रिकॉर्ड बुक दैट इज ORB एंड SOPEP का डॉक्यूमेंटेशन आ गया। एनेक्सर टू पे क्या आ गया, कार्गो रिकॉर्ड बुक आ गया, SMPP आ गया, आपको मालूम होगा SMPP, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आ गया। ठीक है, एनेक्सर थ्री ये दैट इज द डेंजरस गुड IMDG को कवर कर, इसके अंदर IMDG कोड के अंदर तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते होंगे अलग से, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गया, मल्टी मोडल डेंजरस गुड फॉर्म आ गया, कंटेनर पैकेजिंग का सर्टिफिकेट आ गया, GESAMP
ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मरीन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। सेग्रीगेशन टेबल आप पढ़ते होंगे आईएमडीजी कोड पे, ये सब एनेक्स्टर 3 का डॉक्यूमेंटेशन फाइल पे आ गया। ओके, देन कम टू एनेक्स्टर 4। एनेक्स्टर 4 पे मुझे मिला बस ISPP, ठीक है, इंटरनेशनल स्वेज पॉल्यूशन प्रिवेंशन जो होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया एनेक्स्टर 4 पे। एनेक्स्टर 5 में भी आपको पहला चीज आपको याद आ जाएगा GMP GRB आ गया, एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गया एंड गार्बेज सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, गार्बेज सर्टिफिकेट कंप्लायंस। ओके, अभी एनेक्स्टर 6 पे चलते हैं। एनेक्स्टर 6 के ऊपर कुछ देख लेते हैं क्या क्या फाइल्स है इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। IEC इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ गया, फिर IAPP इंटरनेशनल एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट आ गया, EIAPP इंजिन इंटरनेशनल एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, ये सब एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया। नीचे वो लोग एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछता है वो लोग, टेक्निकल फाइल इन एनेक्स्टर 6, ठीक है, क्या क्या टेक्निकल फाइल आता है एनेक्स्टर 6 पे, ये एक MMD सर्वर का स्पेशल क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछता है, मैंने भी नोटिस किया इसको। इसमें आ जाता है BDN बंकर डिलीवरी नोट, आपको मालूम है ये क्या है, ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंडेक्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी डिजाइन इंडेक्स, दैट इज द EEDI। ये एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है खुद से EEDI का, आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन ला सकूं आपके लिए। एंड देन नॉक्स टेक्निकल कोड, ठीक है, ये टेक्निकल फाइल हो गया एनेक्स्टर 6 के ऊपर। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।